दिस इज माय सेकंड सेशन. इंट्रोडक्शन था अबाउट एग्जाम, पर आज रियल काम हम शुरू कर रहे हैं. तो पहले ही कल मैंने बताया था कि आज हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बारे में काम शुरू करेंगे. कल मैंने ऑब्जेक्ट ड्राइंग स्टिल लाइफ का डिफरेंस भी बता दिया था. तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मीन्स दिस इज ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ये जैसा है वैसा किया है. ओनली थिंग इसमें लाइट जिस तरफ से आ रही है उसके कलर भी इंटेंसिटी वाइज ब्राइट किए हैं जिससे वो अट्रैक्टिव लगे. और वही चीज़ जब मैं बोलता हूँ कि स्टिल लाइफ, तो मैंने बोला स्टिल लाइफ में भी हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग जैसे ही करते हैं, बट थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको टेक्सचर्स कुछ अलग अलग वैसे टेक्सचर्स करते हैं. ये एक ही ऑब्जेक्ट है ओके, मगर इसको मैं ध्यान से आगे लेके दिखाता हूँ कि यहाँ बैकग्राउंड कुछ अलग टेक्निक यूज़ की है. ठीक है, तो ये सेम पिक्चर है, यहाँ कलर बैकग्राउंड चेंज किया है. जो मैंने बोला यू कैन चेंज योर बैकग्राउंड, यहाँ भी चेंज. ठीक है, बट इससे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक, हम आगे जब कलर की बात करेंगे तब डिफरेंट टेक्निक भी देखेंगे. थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करके इंटरमीडिएट में करते हैं. ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट क्या क्या करेंगे, तो आपको जैसे मैंने भेजा है कि देयर आर सो मैनी ऑब्जेक्ट्स, इसमें कुछ मैन मेड ऑब्जेक्ट है कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट है. तो दिस इज नेचुरल ऑब्जेक्ट में गोभी है, फ्लावर है, ये कुछ भी आ सकता है. और मैंने जो था अभी मैं डालूंगा एक और एक मेरा बुक का पेज जिसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट मैन मेड में आते हैं क्या क्या नेचुरल में आते हैं वो भी लिखा हुआ है. सेम वे ये दूसरा करेला वेजिटेबल में और एक है. ठीक है, देर आर सो मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये अलग अलग वेजिटेबल है. ठीक है, फिर मेन मेन ऑब्जेक्ट में भी ये मेन चार ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया है तो ये बकेट और डस्टबिन और टम्बलर. तो ये मैं मेरे स्टूडेंट को पहले इंडिविजुअल सिखाता हूँ हाउ टू ड्रॉ एंड हाउ टू कलर. तो अभी हम कल जो डिस्कशन किया था वही डायरेक्ट वहाँ से काम शुरू करते हैं कि अगर आप ड्राइंग शुरू करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में आपको ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो आप डायरेक्टली, कुछ स्टूडेंट को ऐसे हैबिट है कि पहले डायरेक्टली ये बकेट बनाएंगे, फिर ये टम्बलर बनाएंगे, फिर डिश बनाएंगे, फिर टोमेटो बनाएंगे, पर ये रॉन्ग प्रोसीजर है. पहले जो कल आपसे डिस्कशन हुआ था कि वो लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको कि आपका ड्राइंग बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, उसका मतलब क्या, तो इफ दिस इज माय स्पेस यानी इतनी साइज में मुझे ड्राइंग बनाना, तो ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा इतने में ही ख़त्म हो गया. मीन्स ये जो एरिया है जो बहुत छूट गया. ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. मीन्स वो लोग जो लिखते हैं स्मॉल ड्राइंग नॉट कंसिडर्ड, इसका मतलब ये होता है. ठीक है, सेम वे यहाँ मैंने जो दिखाई दूसरी अरेंजमेंट, इसमें ऑब्जेक्ट ग्रुप जो है एज टू एज टच हो गया है. मीन्स एज टू एज पेज की बॉर्डर जो आप बनाएंगे, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए 2 सेंटीमीटर छोड़ के बनानी है, तो आप उसको डायरेक्टली टच नहीं करेंगे. तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे, तो वो अभी हम देखते हैं कि आपकी प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए. यहाँ जो मैं नीचे का ड्राइंग किया है दिस इज द एक्चुअल प्लेसमेंट, और वो भी पहले मैं क्या करूँगा, मैं स्पेस पहला बकेट के लिए एरिया मार्क करूँगा, टम्बलर के लिए एरिया मार्क करूँगा कि टम्बलर क्या साइज का आएगा बकेट के रिलेशन में, फिर ये डिस्क का एरिया मार्क करूँगा. तो आई एम जस्ट मार्किंग द लोकेशन एंड साइज, रिमेंबर दिस वर्ड.
कभी डायरेक्टली ड्राइंग स्टार्ट नहीं करना है, वेदर यू आर डूइंग मेमोरी ड्राइंग और ऑब्जेक्ट ड्राइंग। आपको बिगिनिंग में डोंट डू डायरेक्टली स्टार्ट, और ऐसे डार्क भी नहीं करना है। ये तो अभी मैंने आपको दिखेगा इसके लिए मैंने डार्क रखा है, बट इट शुड बी वेरी लाइट एंड देन एक्चुअली यू हैव टू स्टार्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये खास याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत स्टूडेंट्स का मैं काम देखता हूँ, जो दूसरे लोग का देखता हूँ, मैं तो सिखाता ही हूँ इतने साल से और मेरे क्लास हो गए घाटकोपर में। ठीक है, मगर ये फर्स्ट स्टेप है। जब आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग की जो भी अरेंजमेंट है उसको पहले लोकेशन एंड साइज डिसाइड करना है। आपको थोड़ा भी उसमें ऐसा नहीं कि खाली बना दिया इसका मतलब सही हो गया, आपको पहले ये बनाने के बाद ये देखना है। अभी मैंने ये बना के रखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने अभी अभी बनाया 5 मिनट पहले, मगर क्या ये बकेट है तो क्या टम्बलर इतना रहेगा क्या, ऐसे सोचो, या इससे छोटा होना चाहिए। तो बना दिया इसका मतलब करेक्ट है ऐसा नहीं है। फिर ये बकेट है तो उसके साथ डिश उतनी विड्थ की आएगी क्या, ये सोचो। तो यहाँ ये दोनों चीज़ थोड़ी, जैसे ये टम्बलर है तो मुझे ये इसके सामने बकेट के सामने इतना बनाना चाहिए, डिश कॉल प्रपोर्शन। फिर ये भी इतनी छोटी हो जाएगी डिश भी, यानी हाइट एंड विड्थ जो है ऑब्जेक्ट का, उसका जो रिलेशन प्रपोर्शन है, बकेट मीडियम साइज़ की है तो आपका टम्बलर बड़ा दिखेगा, क्योंकि टम्बलर का ज़्यादा करके एक ही साइज़ रहता है, मगर बड़ी बकेट है उसके साथ आप टम्बलर रखते हैं तो उसका रेशियो देखना है, आप ऑप्टिकली देखना है। अगर ये हाइट ऑफ द बकेट इज दिस मच तो टम्बलर उसका हाफ है, हाफ से छोटा है, ऐसे ऑप्टिकली यू हैव टू थिंक। अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो ये इससे हाफ जितना टम्बलर आना चाहिए, जो आपको ऑप्टिकली वहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसमें से देख के ही करना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट आपसे दूर रहता है। बहुत बुक में बहुत पहले ऐसे पेंसिल रख के दिखाते थे, क्या आँख के सामने ऐसे पेंसिल रखो और ऐसे उसका डिस्टेंस लो और फिर ड्रॉ करो। ये सब ठीक है सीखते वक्त, मगर प्रैक्टिकली इट्स नॉट ईजी। जब आप ऑप्टिकली बनाना सीख जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, पेंसिल वेंसिल रखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम एक्चुअल आज जो शुरू करना है, कल मैंने बोला था वी आर स्टार्टिंग सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। सिलिंड्रिकल मतलब सर्कुलर, क्योंकि जो मेन मेड ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं, जो बकेट है, टम्बलर है, इसमें दो टाइप के ऑब्जेक्ट जो भी आते हैं, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट आइदर सिलिंड्रिकल आइदर स्पियरिकल। तो हम स्पियरिकल में तो ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, सर्कुलर बोलते हैं, सिमेट्रिकल एंड सिलिंड्रिकल, वो स्पेशली सिलिंड्रिकल, वो हम कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो ये मैं कुछ ड्राइंग रेडी है मेरे, क्योंकि ये बुक मैं कम से कम बोलूँ तो 88 में बना चुका हूँ, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था। तो इट्स हैंड रिटन एंड हैंड ड्राइंग, ओके। तो मैं दिखाऊंगा अभी कुछ वर्क, यानी हाउ टू ड्रॉ। ठीक है, अभी यहाँ आपको ये पहले बकेट दिखाई, ये पहले की बकेट है जो एल्यूमिनियम की आती थी, ठीक है, मगर हाउ टू ड्रॉ वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं अभी दिखाऊंगा कि इसको करेक्ट वे क्या है। मैंने साइज तो बना ली, सेकेंड थिंग जो मैंने बोला, हर एक ऑब्जेक्ट कुछ ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स है अपने, उसको बेस रहता है, इसलिए पहले आपको उसका स्टडी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ मैंने ये डब्बा है या ये बॉटल है, तो ये भी सिलिंडरिकल ऑब्जेक्ट बोला जाता है, यानी उसका बेसिक शेप ही सिलेंडर। कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो कंबाइंड सॉलिड्स रहते हैं, यानी ये पॉट है तो नीचे का पार्ट सिलेंडर सर्कुलर है और ऊपर का पार्ट सिलिंड्रिकल है। ये पूरा बाउल है तो बेसिक शेप इज स्पीयर, बट उसका हाफ स्पीयर ऐसे। तो ये भी आपको सीखना जरूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका बेसिक शेप क्या है, यानी थ्री डायमेंशनल, क्योंकि हम जो भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग बना रहे हैं इट मीन्स इट्स अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सेम वे ये अगर एक पेन स्टैंड है तो हेक्सागोनल प्रिज्म उसके बेस पे बना हुआ है, ये पेन स्टैंड ऐसे दिखा है। अगर हम पेंसिल बनाते हैं तो पेंसिल ऑल्सो हेक्सागोनल, ठीक है, तो बेसिक थिंग, और ऊपर का पोर्शन उसका कोन है। अगर आप लेडी फिंगर भी बनाते हैं
तो देखो उसमें भी बेसिक फंडामेंटल शेप ये है जो आपको शेडिंग करते वक्त ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। और ये कुछ ब्लॉक ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे भी ऑब्जेक्ट रहते हैं ब्लॉक ऑब्जेक्ट, मतलब कंपास है या और कुछ है इरेगुलर, ठीक है। तो आज हम इस तरह से जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है वो कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो यहाँ ये बकेट का ही एग्जाम्पल लेके हम करेंगे, और आपको घर पे पहले बकेट ही करनी है। ये बकेट कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले तो जो मैंने बताया वैसे उसका रिक्वायर्ड साइज जो है वो आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया होगा, ठीक है। यानी यहाँ मैंने वो ड्राइंग करके रखा था थोड़ा सा, ठीक है, कि ये पहले रेक्टेंगल तो आपने बनाया, अभी इसमें मुझे ऊपर वाला ओवल है उसको कितना स्पेस लगेगा। सेम वे सबसे पहले तो ये जो विड्थ है उसका सेंटर एक्सिस बनाना है, क्योंकि सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑलवेज सेंटर से दोनों बाजू इक्वल करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नेसेसरी इज दिस लाइन आफ्टर मेकिंग दिस रेक्टेंगल, ये बकेट के लिए एक मैं रेक्टेंगल बनाया है, उसका सेंटर एक्सिस पहले चाहिए। सेंटर एक्सिस मीन्स बोथ साइड इक्वल, तो यहाँ मैंने इसलिए यहाँ डिस्टेंस दिया ही है एक्स एक्स वाई वाई, ऐसे कैसे करना चाहिए, ठीक है। फिर जब ऊपर का ओवल मुझे बनाना है तो उसका भी पर्टिकुलर मेथड है। तो आपका ऊपर का जो रेक्टेंगल आ गया ये, इसका भी सेंटर एक्सिस है, मगर हॉरिजेंटली ऑल्सो सेंटर एक्सिस बनानी है, और फिर ये पर्टिकुलर कर्व ऐसे बनाना है, ठीक है। अब ये कर्व में फ़र्क क्या है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरा सेंटर एक्सिस ही रॉन्ग है, तो ये ड्राइंग मैंने जानबूझ के रॉन्ग बनाया है, यानी एक साइड कम और एक साइड ज़्यादा ऐसा हुआ है। बनाते वक्त ओवल भी परफेक्ट नहीं बनाते, तो यहाँ क्या है दूसरा, कभी कभी ये हम पॉइंटेड भी बना देते हैं, ये कभी कभी ये पॉइंट ऊपर नीचे चला जाता है ऐसा, यानी ओवल बनाएंगे मगर आपका ओवल आप ऐसे बना देंगे क्रॉस में, ठीक है। तो ये सब ओवल बनाने से ही आपका बेसिक फंडामेंटल शुरू होता है कि वो परफेक्ट ओवल कैसे बनाना है। तो इसी में ही आप करके रखा है, ठीक है, ये मैंने सेंटर एक्सिस ऐसे बनाई, अभी ऐसे भी सेंटर एक्सिस बनाऊंगा और फिर ये ओवल ड्रॉ करूंगा ऐसे, ठीक है, तभी वो परफेक्ट ओवल बनेगा। अभी जो रेगुलर आजकल की बकेट है उसका ड्राइंग कैसा रहता है तो वो भी हम केयरफुली देखते हैं। आजकल की प्लास्टिक बकेट है, उसका ओवल तो है, ठीक है, ये परफेक्ट ओवल है, ये सेंटर एक्सिस आ जाएगी, मगर यहाँ भी बहुत स्टूडेंट जरा भी उसको ध्यान नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है इसका मतलब इसको ऊपर एक थिकनेस जिसको हम रिम बोलते हैं, जो बकेट की प्लास्टिक है उसकी थिकनेस रहती है और सामने से भी थिकनेस रहती है, तो दो थिकनेस दिखानी पड़ती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट सामने भी रखता है तो भी नहीं बनाते प्रॉपरली, ठीक है। ये खास परफेक्ट ओवल भी कैसे बनाना है, फिर परफेक्ट बकेट कैसे बनाना है वो अभी हम देख रहे हैं। सेकंड मोस्ट बना दिया किसी की ये थिकनेस, मगर ये जब लाइन हम शुरू करते हैं जो साइड से निकलती है ये कहाँ से भी नहीं निकलनी चाहिए, ये बकेट का ये जो पोर्शन है ये अंदर की एज है उसकी, तो लाइन में ही आना, ये अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अगेन 90% केस में स्टूडेंट वो कहाँ भी बनाते हैं, मीन्स कभी यहाँ बनाया है कभी यहाँ बनाया है, ये थिकनेस भी कभी कभी ज़्यादा ही थिक बना देते हैं, वॉट एवर, बट आपका ये लाइन जो है अंदर की एज के साथ चाहिए बाहर की एज के साथ नहीं,
जो आजकल की बकेट प्लास्टिक की आती है स्पेशली, वो मैं दिखाता हूँ आपको बकेट भी। ये देख लीजिए अभी, इसको ऊपर भी थिकनेस है, नीचे भी, सामने से भी थिकनेस है, ठीक है। जो वापस मैं एक बार दिखाता हूँ यहाँ करते वक्त कि कौन सा पोर्शन क्या है। ये मुझे बकेट हाथ में रखूँगा तो आई लेवल पे आ जाएगी, तो आपको दिखेगा नहीं थिकनेस उसका, पर मैं ऐसे रख के दिखाता हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द थिकनेस, ये ऊपर की है और ये सामने की थिकनेस है, दोनों उसमें दिखती है। आप ये देखेंगे तो ये ऊपर की थिकनेस है और ये सामने की थिकनेस है, ठीक है। वो आना बहुत ज़रूरी है, और आप ऑप्टिकली देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइट आता है, ये डार्क आता है, पर वो जब शेडिंग सीखेंगे तभी हमको पता चलेगा। सेकेंड चीज़ जो मैंने बताई कि ये लाइन जो आप बनाएंगे, ये लाइन, ओके, ये लाइन, ये अंदर वाली लाइन से वो प्लास्टिक निकला हुआ है, जो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहाँ भी नहीं आनी चाहिए, वो लाइन उसकी लाइन में ही जाना चाहिए, ठीक है। फिर सेम वे नीचे भी इसको ऐसा अंदर गया हुआ पोर्शन रहता है बकेट को, ठीक है। तो वो भी सेम वे यहाँ मैं दिखाता हूँ अभी कि वो सिमेट्रिकल कैसे बनाना है। यानी फर्स्ट थिंग तो सिमेट्रिकल बनाना वो ज़रूरी है, सेकेंड पार्ट अभी हम ले रहे हैं कि उसकी डिटेलिंग आनी चाहिए। डिटेलिंग का मतलब इस तरह से कि वो पूरा एंड तक बराबर आपको दिखे। देखा, ये बन गया। ये लाइन जब मैं दोनों तरफ जब बनाऊंगा तो वो भी सिमेट्री होना चाहिए, मीन्स अगर मैं सेंटर एक्सिस बनाऊंगा तो यहाँ से और यहाँ से ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, फिर यहाँ से और यहाँ से भी डिस्टेंस सेम लेना है। तो वो कैसे करना है, अगर सेम मुझे ऑप्टिकली करना है तो मैं पेंसिल से कर सकता हूँ, कि यहाँ से मैंने ऐसे पेंसिल यूज़ की और वही यहाँ से देखूँगा कि वो दोनों तरफ सेम हुआ है कि नहीं, पर मैं कुछ अलग अप्रोच करवाता हूँ स्टूडेंट को। मैं पेपर स्केल बनवाता हूँ और सेंटर से दोनों बाजू करना है तो पेपर स्केल यूज़ करवाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो स्केल अलाउड नहीं है। पेपर स्केल का मतलब एक पेपर को मैं फोल्ड करके उसको स्केल जैसे बना देता हूँ, अगर जैसे ये पेपर लिया मैंने और उसको ऐसे फोल्ड किया, अगेन उसको फोल्ड करूँगा तो ये मेरी पेपर स्केल बन गई, और ज़रा थिक करना है तो और फोल्ड करूँगा, मैं प्रॉपर बनाऊँगा मैं, और समझो मुझे अभी यहाँ से सिमेट्री करना है तो पहले फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर एक लाइन कर देता हूँ। ये मैंने तो ऑब्जेक्ट बना डाला है, मगर एक्चुअली बनाना के पहले का मेथड मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या कैसे कर सकते हैं। अभी ये डिस्टेंस दोनों तरफ ऑलरेडी सेम, समझो ऊपर का मेरा हो चुका है, अभी मुझे नीचे की लाइन आगे आगे करनी है। तो ये सेंटर से फॉर एग्जांपल आई विल मार्क सम पॉइंट हियर और ये इधर, ठीक है, ऐसे दो पॉइंट मैंने मार्क किए दोनों तरफ के। अभी सेम मैं इस तरफ भी मार्क करूँगा, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये सेम आना चाहिए। सेम भी नीचे अंदर जा रहा है तो यू हैव टू टेक अगेन डिस्टेंस और अंदर भी पॉइंट मार्क, फिर नीचे, ऐसे हर एक जगह पे आपको पॉइंट मार्क करना है,
पहले लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली, पहले पॉइंट मार्क करेंगे, देन यू ड्रॉ द लाइन, तो दोनों तरफ सिमेट्री आएगा। ये सर्कुलर लाइन भी जो ऐसे है, ये भी कुछ स्टूडेंट सेम पैरेलल नहीं बना पाते, तो हाउ टू डू पैरेलल, तो मैंने ऊपर वाला कर्व अगर बना लिया है तो मैं नीचे वाला कर्व बनाने के लिए ऐसे पहले मार्किंग लूँगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, फिर यहाँ पॉइंट मार्क करते जाऊँगा। यहाँ मैं दिखाता हूँ कि समझो ये कर्व मुझे सेम डिस्टेंस में फॉलो करना है, तो मैं कुछ कुछ डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट मार्क करूँगा, ठीक है, और फिर ऐसे ज्वाइन करूँगा तो ये पैरेलल लाइन आ गई, नहीं तो इसमें भी बहुत लोग का गड़बड़ होता है, ठीक है। तो यही आपको सीखना है, मैंने बोला था मैं छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा क्योंकि आधा तो सब लोग को मालूम है, बट इस तरह से अगर आप ड्राइंग करेंगे तो करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन आता है क्या एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है, तो बहुत टाइम जाएगा, नहीं, ये बिगिनिंग में लर्निंग के वक्त आपको अगर हैबिट हो गई तो वो आप बाद में वही चीज़ फास्ट कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट कभी कभी कुछ एग्जामिनर रहेंगे वो अलाउ नहीं करते, बाकी तो आजकल नॉर्मल स्केल भी यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग, ये स्केल का एडवांटेज है, दिस नॉट रेगुलर स्केल, ये दिस स्केल इज फास्टर देन नॉर्मल स्केल। हाउ, अभी समझो मुझे यहाँ से ये मेजरमेंट दोनों तरफ इक्वल लेना है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्केल इज फास्टर देन नॉर्मल स्केल, तो मेरा सेंटर लाइन से ये डिस्टेंस है, अगर मैं नॉर्मल स्केल से लेता हूँ और देखता हूँ कि हाँ ये 5.6 है, फिर वापस स्केल यहाँ रखूँगा और 5.6 यहाँ, तो उसमें टाइम भी जाता है और इस तरफ मेजरमेंट लगते वक्त 5.6 से पहले 4.6 भी डाल देंगे हम, और ये हो रहा है, प्रैक्टिकल ट्रूथ है। उससे बेटर है आप पेपर लो, यहाँ जितना है वो लिया, सेम लाइन में इधर मार्क करो और फिर ये पॉइंट मिलेगा, तो ये दिस इज फास्टर। कितना टाइम लगता है देखना, मुझे 4-3 बार पॉइंट लेने के लिए मुझे दो यहाँ से यहाँ लेने में, ठीक है। सेम वे नीचे का अगर कुछ ऑब्जेक्ट है तो आपको नीचे भी वैसे ही करना है, जो एरिया कम हो गया उसका, यानी ये बकेट यहाँ से छोटी है, इधर और इधर डिस्टेंस सेम लेंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट बर्नी जो है वो भी ऐसे ही है, तो उसको देखेंगे अभी हम। सेम वैसे ऊपर जैसे बनाया वैसे ही ये बनाना है, सेंटर एक्सिस बना के देखो आप, फिर दोनों तरफ सेम करके देखो ऐसे पेपर स्केल से, पहले ड्रॉ नहीं कर देना है। और ये पहले फ्री एंड पेपर था, तभी हम सेम मेथड यूज़ करते थे फ्री एंड बनाने के लिए भी। अगर आपको यहाँ सीधा सीधा लाइन भी डाल सकते हैं ऐसे लाइन, और फिर मेजरमेंट लो यहाँ से यहाँ कितना और यहाँ से यहाँ कितना। ये मैंने आपको डायरेक्टली रेडी पेपर पे दिखाया, इसलिए आपको थोड़ा ये होगा। मैं वापस जो फर्स्ट ड्राइंग किया था उसे भी दिखाता हूँ कि दोनों तरफ सेम का मतलब क्या है, कैसे लेना है मेजरमेंट। और मैंने जैसे बोला था कि मुझे ज़्यादा लंबा लंबा लेक्चर नहीं करना है क्योंकि वो कोई देखेगा ही नहीं, दिस इज माय गारंटी। अगर ये मेरा बकेट का साइज है तो पहले मैं इसका सेंटर निकालूंगा, यानी ये विड्थ है। अभी देखो ये स्केल का मैं दूसरी तरह से कैसे यूज़ करूँ, मेरे को मेजरमेंट नहीं है चाहिए, वो पुराने वाले मेजरमेंट, ठीक है, अभी नया मेजरमेंट, मेरे को पहले इसका सेंटर निकालना है। तो मैंने पहले टोटल विड्थ उसका पेपर पे ले लिया, अभी मैं ऐसे हाफ फोल्ड करूँगा और वो दोनों आमने सामने रखूँगा, ऐसे मैंने आमने सामने रखा तो ये मुझे उसका सेंटर पॉइंट मिल गया। और फिर मैं यहाँ रख के वो सेंटर मार्क करके ऐसे एक लाइन बना देता हूँ। अभी जैसे बकेट का बताया, इसका ऊपर का टॉप का विड्थ, अभी इसका भी सेंटर निकालना है, तो ये ऑप्टिकली भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने बोला मैकेनिकल सेंटर से भी ले सकते हैं। ये जो विड्थ है सेंटर से, समझो मुझे इधर इतना लेना है, तो सेम इधर लाइन बनानी है आपको। मुझे आपके लिए लाइन डार्क करनी पड़ेगी, मगर एक्चुअली दिस लाइन शुड बी लाइट, नहीं तो आपको अभी
अभी भी लाइट ही है, आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा है, मैं ज़रा डार्क करता हूँ ये लाइन, फिर यहाँ से ये मुझे अंदर लेना है। मैं कैमरा वापस आगे लाके आपको दिखाता हूँ मैंने क्या ड्रॉ किया। वो ये देखो मैंने इस तरह से इसके ऊपर ठीक है, देखो दोनों तरफ इक्वल कैसे करना है। तो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट द बकेट, और आपको मैं चाहिए तो एक बकेट का ड्राइंग भेजूंगा आज, या एक पेज ऐसा भेज, 7-8 ऑब्जेक्ट है एक साथ, आप हर एक को ड्रॉ कर सकते हैं सेम मेथड से सिमेट्रिकल। तो अब सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट कैसे करना है वो पता चल गया, बट एग्ज़ाम के लिए आपको जो मैंने बताया अभी बकेट ये वही काम आता है ज़्यादा। तो आप उस तरह के ऑब्जेक्ट करना जो आपको काम है, ये फर्स्ट डे ठीक है आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो चलेगा, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया अभी स्पेशली ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम में जो पूछते हैं उसी तरह का है ठीक है पूरा पेपर। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने आज सिखाया, हाउ टू ड्रॉ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। आप कितने भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मगर एग्ज़ाम में आने वाले ऑब्जेक्ट में मैंने खास चार बताए। बकेट इज मोस्ट कॉमन, और पहले की बकेट में क्या था, ये हैंडल भी एल्यूमिनियम का या लोखंड का आता था, आजकल की बकेट में प्लास्टिक का आता है। और क्योंकि उसमें भी दो टाइप की बकेट है, एक बड़ी बकेट होती है एक छोटी रहती है, तो कभी कभी बड़ी में अभी भी मेटल का आता है, पर रेयरली मैं देख रहा हूँ अभी मेटल का हैंडल हो ऐसा वट एवर। बट ये दिस इज़ द टुडे सेशन, तो आपको जो भी दिखाया, आप जो लोग रियली एग्ज़ाम दे रहे हैं, कल मुझे जब 200-225 स्टूडेंट ऐसे ग्रुप में दिखे तो मैं ज़रा खुश हो गया, पर आज मुझे पता चल रहा है कि उसमें से 25 लोग रियल ऐसे रहेंगे जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी 2020 में। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो क्लास है उनके लिए हो, क्योंकि वो लोग क्लास में नहीं जा पा रहे, जो स्पेशली मेरे स्टूडेंट भी ऐसा है, तो वो स्टूडेंट घर पे कुछ काम कर सके। मगर यह उल्टा हो गया है, जो लोग एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, कोई कोई पेरेंट्स है जो उनके बच्चे को सिखाने के लिए देख रहे हैं, कोई कोई जस्ट फॉर अ नॉलेज देख रहे हैं, और मैंने बोला कुछ तो मेरे फ्रेंड्स भी टीचर्स भी हैं वॉट एवर, बट मेरा पर्पस था कि इसमें जो लोग एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो ज़्यादा बेटर है ठीक है। अब कल मेरे को एक पेरेंट्स का ये 10 बजे मैसेज आया कि मेरे लड़के को कुछ समझ नहीं रहा है, इसलिए मैं ग्रुप में से निकल गई हूँ। तो मैंने पूछा आपका बच्चा कितने साल का है, तो उसने 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है। अभी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर आप ये दिखाएंगे तो हो सकता है वो नहीं समझेगा, और अगर वो नहीं समझ रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख के भी उनको बता सकते हैं वॉट एवर। बट यहाँ 200-250 जो स्टूडेंट हुए, ये जो पार्टिसिपेंट्स हुए 200 या 225, रियली दे आर नॉट द स्टूडेंट्स, बट मेरा इंटेंशन टोटली ऐसा था कि जो लोग इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट हो, और उनको कुछ घर बैठे कुछ काम भी हो जाए। अभी टोटली फ्री है 15 अप्रैल इंटेंशन, तो अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है आपके स्कूल में जो भी पेरेंट्स है, उसके स्कूल के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके टीचर, खास अगर आपको ये लगता है तब उसको इन्फॉर्म करो। अभी एक ग्रुप में 250 की कैपेसिटी रहती है ठीक है, इसमें 200-225 है, मैं दूसरा, मेरा इंटेंशन पहला यही है कि वो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। दूसरी चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ सिर्फ 18 लोग भी ठीक है, सब अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, मगर मैं जो बोल रहा था कल कुछ लोग ग्रुप में
आफ्टर लेक्चर निकल भी गए, तो उनका इंटेंशन क्या था मुझे पता नहीं है कि रियली वो लोग सीखना चाहते थे या उनको ऐसा लगा कि मैं सब एक एक चीज़ आप बना के भेजेंगे और मैं करेक्शन करूँगा और आपका क्या मिस्टेक है वो सब बताऊँगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वॉट एवर, मगर ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट देख लिया, ये तो स्फीयरिकल है, ये इरेगुलर है, मगर इसमें भी कुछ फंडामेंटल है ब्लॉक के, ये स्फीयरिकल है मगर इसमें थोड़ा फंडामेंटल है, तो ये हर एक ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ फंडामेंटल है व्हेन यू डू द शेडिंग। तो कल अभी हम थोड़ा शेडिंग का फंडामेंटल देखेंगे, ठीक है, कि हाउ टू डू शेडिंग, यानी आपको एक ऑब्जेक्ट है सिलिंड्रिकल है स्फीयरिकल है तो उसमें क्या ध्यान रखना है। तो अभी मैं कुछ शीट्स भी आपको डालूंगा व्हाट्सएप पे, जिसमें ये सब होमवर्क भी आप कर सकते हैं अगर जिसको रियली करना हो तो, अदरवाइज एज ए व्यूअर तो बहुत लोग है ही, मुझे गारंटी है कि इसमें कम से कम 150 से 200 तो जस्ट व्यूअर है, जस्ट दे आर वॉचिंग, उनको कुछ काम से मतलब नहीं है, व्हाटएवर। ठीक है, तो कल वापस मैं 4 बजे ही करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कल कि 5 बजे करता हूँ तो हाउसवाइफ जो है दे आर मोर बिजी, उल्टा उनका काम बढ़ गया है अभी। ठीक है, पेरेंट्स हस्बैंड घर में है, बच्चे घर में है, मगर उनको तो छुट्टी नहीं है, इसलिए मैंने 4 बजे से कर दिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।